वो औरत सब्जी का पसरा लगाती थी। वो बहुत आकर्षक थी। उसके पसरे के पास मर्द मंडराया करते थे। जिस किसी आशिक मिजाज मर्द को मौका मिलता, सब्जी लेने के बहाने वो झोला लेके उसी के पसरे के पास जा खड़ा होता। वो बड़ी मोहक मुस्कान से उसका अभिवादन करती। उसकी सदा से मर्दों के चेहरे पर एक तरह की चमक आ जाती, उनके चेहरे खिल उठते। इतने हसीन अंदाज में भला कौन मिलता है। उससे मिलने के बाद हर मर्द जमा और खुद को कामदेव समझता। वो मर्दों को रिझाने में कोई कमी नहीं करती थी। मर्द उससे रीझकर उसके पास आना चाहते, लेकिन मर्द तो मर्द होते हैं। सब उसके जिस्म के दीवाने थे, उसकी अदा और जिस्म के दीवाने। जब जिसे मौका मिले तो उसे चूस डाले। बहुत से रसकों ने उसे अजमाया भी। उससे उन्हें बहुत गजब के अनुभव मिले। उसका नाम कमला था, कमला सब्जी वाली। उसके मर्द ने 10 बरस पहले उसे छोड़ दिया था। वो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उसका पति दारू और बाहरी औरतों को नहीं छोड़ा। जब उसकी हरकत बंद नहीं हुई तो कमला ने भी एक दो यार बना लिए। फिर उसके मर्द को अपनी बीवी का बाहर मचलना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस पर रौब जमाता और पीकर उसे मारता। उसकी हरकतों से तंग आकर वो अपना घर छोड़ आई और वो खुद मंडी में अपनी सब्जी का पसरा लगाती है और अच्छा खासा कमा लेती है। उसके जिस्म की खुशबू से मर्द खींचे चले आते हैं और उसका सारा माल बिक जाता है। सच कहा जाए तो कमला के कारण अलग अलग मर्दों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ को उसका साथ पाने से उसके घर के संबंध सुधर गए और कुछ को कमला का ख्याल दिल में रखने के कारण घर से बहुत लड़ाई का सामना करना पड़ा। कुछ के घर में अलगाव बढ़ गया और कुछ के घर में प्यार। कुछ सब करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी बाहरी इज्जत और समाज की फिक्र होती, तो वे कमला जैसी को समाज की बुराई समझते। लेकिन उन्हें भी उसे झांकने की तलब हो जाती। वे बड़े चालाक लोग थे। ये भाव लेते कि कोई उनको देख नहीं रहा है, फिर वे चालाकी से उसे देख लेते। कमला बहुतों की जरूरत थी, बहुतों के बिस्तरों की हसीन कल्पना थी, बहुतों की प्यास थी, बहुतों की बुराई थी, बहुतों की चिढ़ थी। पर कमला तो कमला थी, अपनी मस्ती में जीती। उसकी चाल, उसकी आकर्षक देह को दबी छुपी नज़रों से हर कोई एक न एक बार देख ही लेता और ललचा जाता। डॉक्टर भोलाराम अपनी छोटी सी क्लिनिक में हर दिन की तरह अखबार पढ़ते बैठे थे। दिन भर में कोई 10-20 मरीज उनकी क्लिनिक में आ ही जाया करता। आज सुबह से कोई नहीं आया था और तभी कमला की धमाकेदार एंट्री हुई। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते कमला, आओ, कैसी हो? सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इन दिनों कुछ तकलीफ हो रही है। डॉक्टर भोला भी कमला के दीवाने थे, पर लोग लाज के भय से उससे दूर ही रहा करते। लेकिन आज उनकी चाहत चलकर उनके पास आ गई थी तो उनका उत्साह देखते बनता था। क्या बात है कमला, बताओ। अब क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, कहने में शर्म आ रही है। अरे शर्माओ नहीं डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मेरे सीने के दाहिने भाग में हल्का हल्का दर्द रहता है। बहुत ही उन्नत देह की स्वामिनी कमला की तकलीफ को पूरा समझने के बाद डॉक्टर भोला ने उसे जांच के लिए लिटाया और उसके शरीर का अवलोकन करने लगे और सोचने लगे कि इस शरीर के पास जाने के लिए मर्दों में कितनी होड़ मची रहती है। इससे सटकर सोने की कल्पना मात्र से मन में लोगों के लड्डू फूटने लगते हैं। और आज वो उनकी टेबल पर लेटी है। उन्होंने उसका परीक्षण किया, उसके वक्ष में एक गांठ पता लगी। उन्होंने उसे कुछ दिनों की दवा देकर फिर आने को कहा। कमला चली गई। डॉक्टर भोला को काफ़ी देर तक हलचल महसूस होती रही। कमला के जाने के बाद वे बहुत देर तक सामान्य नहीं हो सके थे। वे अपने भीतर उत्तेजना महसूस कर रहे थे। डॉक्टर भोला की दवाई से कमला को आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर भोला ने उसे जाँच के लिए बड़े अस्पताल में भेज दिया। गहन जांच से पता चला कि कमला को ब्रेस्ट कैंसर है और उसे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बड़ी तकलीफदेह स्थिति से गुजरने के बाद कमला का ऑपरेशन हुआ और उसका एक वक्ष डॉक्टरों ने निकाल दिया। कैंसर के लंबे उपचार के बाद कमला वो कमला नहीं रही। अब कमला के सुडौल और आकर्षक मर्दों को रिझाने वाले देह का वो आकर्षण नहीं रहा। कमला अब दुबली पतली काया बनकर रह गई। अब उसके दीवाने सारे मर्द गायब हो गए। अब कमला के पास कोई नहीं आता। कमला सब्जी का पथरा लेकर बैठती है, लेकिन अब वो बीमार और कमज़ोर औरत है।
जिसके पास बहुत कम ग्राहक आते हैं। डॉक्टर भोला उसे राहत के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। आज कमला का रोगी शरीर देखकर डॉक्टर भोला सोच रहे हैं कि हम मर्द लोग किस हद तक मतलब परस्त रहते हैं। हमें एक औरत नहीं, औरत की मांसल देह चाहिए अपने हाथों से मसलने के लिए। हमें उसका हर अंग पूरा पूरा चाहिए, वरना वो हमारे किसी काम की नहीं। हम औरत और सब्जी भाजी को एक जैसा समझते हैं। सड़ी गली सब्जी हमें पसंद नहीं, हमें ताजी और पकी हुई सब्जी पसंद है जो तेल और मसाले के साथ तली भुजी हो। अब कमला भी वैसी नहीं रही, एकदम ताजी और मसालेदार। कुछ महीनों के बाद कमला चल बसी, उसे सब भूल गए। अब उसकी जगह सुमन बैठती है और उसके पसरे के इर्द गिर्द मनचले मर्द मंडराते रहते हैं। डॉक्टर भोला सुमन को खिलखिलाते, मर्दों से बतियाते और मर्दों को ताकते और मर्द को उसकी ओर ताकते दिख जाते हैं। वे उड़ती नज़र से उस मंडी को देखते हैं और फिर से अपने पेपर पर नज़र गड़ा लेते हैं।